जय हिंद। कैसे हो भाई आप सब? हरियाणा जेई का पेपर हुआ था भाई, तो उसमें जो अंग्रेजी आई थी और जो हिंदी आई थी वो तो आज मैं इस वीडियो में करवा दूंगा सोल्व। उसके बाद उसमें कुछ प्रश्न थे जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, तो जैसा कि मैं आपका छोटा भाई सिविल इंजीनियर हूं, बीटेक सिविल से पास आउट हूं, तो मैं उस सिविल के जो भी प्रश्न थे उनकी भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। पहला वीडियो यहां पर इसका नंबर है। तो भाई पहला प्रश्न अपना ब्लैंक क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग फार्मिंग मेथड्स। यहाँ पे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, कहना क्या चाह रहा है, क्लाइमेट क्या है, वन ऑफ मेनी फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में से एक है जो इन्वॉल्व है, शामिल है किसमें भाई, चेंजिंग बदलने में, किसके मेथड बदलने में, फार्मिंग यानी किसान जो अपनी कृषि है उसके जो मेथड बदलने में सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक एक मेथड है जो अपना फैक्टर है वो कौन सा है, क्लाइमेट है। यानी इसको डेफिनेट किया गया, डेफिनेट करने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल लगता है। ये ऑप्शन कौन सा गया अपना, सी ऑप्शन हो गया। एक बात और भाई, क्लाइमेट जो वो अनकाउंटेबल है, कहने का मतलब इसकी गिनती करना संभव नहीं है, जो जिसकी गिनती करना संभव नहीं उसको एक करना भी संभव नहीं है, इसलिए ए और एन तो ऑप्शन कभी भी इसके हो ही नहीं सकते। नंबर दो भाई, हर कंटिन्यूड एफर्ट वॉज क्राउंड, तो मतलब जो क्राउन है क्राउन के साथ हमेशा ही विद आती है, क्या होगी भाई, विद आएगी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, विद। एक बात और है, जैसे मान लो कहीं ऑप्शन में आ जाए वी सी ब्लैंक आर आईज, तो इसका ऑप्शन में भी क्या करोगे, विद आर आईज। मान लो खुद सोचो, अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी है भाई, इसके ऊपर मान लो फूलों से सजावट कर रहे हो, तो फूलों से सजी गाड़ी है या फूलों के साथ सजी है, ये फूलों के साथ सजी है, डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, क्योंकि सजे तो फूल भी हैं और फूलों के साथ गाड़ी सजी है। अब हम कहते हैं आंखों के द्वारा देखते नहीं देखते, आंखों के साथ देखते, क्योंकि देखो ये जो मार्कर है इसको मेरी आंखें भी देख रही हैं, आंखें देख रही तभी तो मैं देख रहा हूं, तो आंखों के साथ देख रहे हैं, इसलिए क्राउन के साथ में क्या आता है, विद, किसके साथ सजी हो जाएगी, विद यानी विद सक्सेस, सफलता के साथ। उसके बाद तीसरा भाई, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम योर ट्रिप। इसका एक रूल है भाई, अगर पहला दो सेंटेंस है वो अपना शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो अगला सेंटेंस जो होगा वो अपना होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा भाई, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब या तो वो की पहली फॉर्म हो या वो की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो, लेकिन ये तो वो की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इस भाग में एरर है, ये ऑप्शन में दिया हुआ भाई। उसके बाद द कास्टल स्टूड ब्लैंक द लेक, कास्टल का मतलब दुर्ग, किला जो है वो खड़ा था, कहां पे खड़ा था, लेक जो है, लेक मतलब झील है, उसका किनारे खड़ा था, उसके अंदर तो खड़ा हो नहीं सकता, तो किनारे का मतलब जो होता है पास, मतलब वो समीप खड़ा था, देखो किनारे के लिए वैसे कोई नहीं है, अगर ऑन होता, ऑन होता तो ऑन ऑप्शन ठीक हो जाता, क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है, किनारे के दिखाना हो, क्या दिखाना भाई, किनारे पे बैंक, अब ऑन दिखाना था ऑन भी आ जाता है, लेकिन इसमें देखो एक बिसाइड्स है, बिसाइड्स का मतलब होता के अलावा, लेकिन के अलावा यहां नहीं आ सकता, एक बिसाइड का मतलब होता समीप, समीप इसमें क्या आएगा, बिसाइड, क्या आएगा भाई, बिसाइड, लेकिन ऑप्शन में अगर बिसाइड भी नहीं होता तो क्या रहता, बाय, बाय का मतलब भी क्या होता है, समीप। ये गाना सुना होगा, आ बैठ मेरे पास कम एंड सिट बाय मी, गाना सुना है भाई, आ बैठ मेरे पास मुझे देखता रहूं, उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ोगे तो यही है, कम एंड सिट बाय मी, तो बाय का मतलब भी क्या होता है, नजदीक, तो नजदीक बिसाइड से भी दिखा सकते हो, बाय से भी, तीन में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन ये तीन में से ये ऑप्शन है। उसके बाद बिटवीन है भाई, बिटवीन का यूज होता है और अमंग का एक ही यूज है। अब जैसे मान ले दो बंदे हैं, इन दोनों के बीच में कोई एक है तो बिटवीन से दिखाओगे, और यही मान लो चार हो जाए, ये चार हो गए, चार के बीच में कोई एक है तो अमंग या अमंगश से दिखाएंगे, तो ये जब वीडियो प्रीपोजिशन की बनाऊंगा तब समझाएंगे भाई, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों,
साथियों भाई फोन एक भी है और पेपर पुत्र नहीं पाया फोन में है, इसलिए आपके सहयोग और प्यार सम्मान के लिए काफी वो उतार दिए सारे प्रश्न भाई। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा लिखा था एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता उल्टा शब्द जो विपरीत अर्थ को, तो वैल्यू का बताना भाई। वैल्यू का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज साफ ना हो। तीन से ऑप्शन देखो कौन सा नॉट क्लियर का उल्टा, एक ऑप्शन दे चार ऑप्शन है, एक है फेंट तो क्या हुआ होता है बी आई का मतलब है छुपा होना, सी अपना चीप है और एक डी होता है अपना क्लियर, क्लियर का मतलब है साफ और नॉट क्लियर का उल्टा क्या होता है अपना क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई क्लियर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न था भाई वी क्रिएट आर ऑन ट्रेडिशन। इसमें पूछ रखा था भाई इस प्रश्न में कि क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या पूछ रखा था भाई इसमें क्वेश्चन टैग। थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं क्वेश्चन टैग होता क्या है। प्रश्न के अंदर से एक प्रश्न बनाने को ही क्वेश्चन टैग बोलते हैं। सर हरियाणा मान लो आपकी बहन सेब खा रही है और आप अपनी बहन से पूछ रहे हो वो कह सेब खाओगी आप को नहीं खाओ है या सेब खा रही है या नहीं खाएगी, तो ये जो अगला प्रश्न बढ़ता है इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इसकी वीडियो बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लो ये वो कौन सी फॉर्म है भाई पहली फॉर्म है, तो पहली फॉर्म के लिए हमेशा क्या होता है डू, क्या आएगा भाई डू आएगा। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव में, तो क्या बन जाएगा डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है वी और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ये खत्म हो जाएगा। तो जो डोंट वी ऑप्शन में है वही इसका क्या है ठीक ऑप्शन है भाई, डोंट वी ऑप्शन में है बिल्कुल है भाई। दूसरे नंबर में था एक था अपना ऑप्शन डू बी जो सरासर गलत है नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा भाई नेगेटिव बनेगा। उसके बाद अगला था डोंट बी, ये ऑप्शन मैंने बताया ये बिल्कुल ठीक है। एक है भाई डिडंट वी जो भी सरासर गलत है और एक है भाई डिड वी जो भी सरासर गलत है। लेकिन साथियों एक बात और देखो पेपर जो उसमें जरूरी नहीं है अगर हमें सारे प्रश्न आते हो तो हमें क्या करना है प्रश्न को ये ऑप्शंस है वो गलत करते हुए चलना है। मान लो ये ऑप्शन आपको नहीं आता मान के चलो भाई, लेकिन सिर्फ आपको इतना पता है कि वर्ब की पहली फॉर्म के लिए क्या आता है डू आता है और जो सेंटेंस पॉजिटिव है उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा भाई। तो जो पॉजिटिव वाले हैं डू वी और अपना डिड वी दोनों काट दिए भाई झट दे। उसके बाद डिडंट है वर्ब की पहली फॉर्म, डिडंट जो होती है डिड जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए आता है इसलिए ऑप्शन भी कट जाएगा भाई। तो ये चीज साथियों करने का एक तरीका है ऑप्शन से अप्रोच करना में। उसके बाद नंबर 7 पर जो प्रश्न है भाई वो है बुकिंग्स मस्ट बी मेड एटलीस्ट 7 days बिफोर डिपार्चर। किमने पूछ रखा भाई इसमें से, इसमें मस्ट के नीचे अंडरलाइन कर रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ये प्रीपोजिशन है या भाई ये आर्टिकल है और नंबर सी दे रखा भाई ये मॉडल है या भाई ये नाउन है। एक वीडियो बनाई जो सब में मेरा है बात, मस्ट क्या है के मॉडल है, क्या भाई के मॉडल है और मॉडल क्या होती है के हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है के हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मान लो किसी को ये नहीं पता ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये तो पता है वर्ब से पहले क्या होती है हेल्पिंग वर्ब होती है और ये प्रीपोजिशन भी नहीं है क्योंकि वर्ब से पहले क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, आर्टिकल नहीं। जो तो सारे काम में मेरा होना चाहिए आर्टिकल कितने हो ये है ए एंड ये तीन ये आर्टिकल है और तो भाई आर्टिकल ये तो ऑप्शन कट हो गया भाई, ये नाउन भी नहीं है किसी का नाम नहीं है। तो दो ऑप्शन तो जिसको जो कहते हैं जो कदे नहीं बढ़िया उसने भी आने चाहिए भाई, बिल्कुल आसान सी बातें आसान चीज है भाई। एक आखिरी प्रश्न और है जो इंग्लिश का है भाई वो देख लेते एक बार। बिल्कुल भाई साहब देखो सेंटेंस का जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उससे ही अप्रोच करना है। आखिरी जो है हाँ वो मैं मानता हूं अब की बार HSSC ने बढ़िया सेंटेंस दिया है, बढ़िया सवाल है भाई एक नंबर का ये और वर्क इधर इंटेलिजेंस ऑफ वर्क हार्ड हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू गेट गुड मार्क्स।
ये सेंटेंस अपना दे रखा है भाई, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला इज का दे रखा है, दूसरा दे रखा है एव का, और तीसरा दे रखा है भाई वर का, और चौथा दे रखा है अपना आर का। ये चार ऑप्शन दे रखे भाई। अब आपको मैंने बताया था कि उसने ये कंजंक्शन जो है इधर और का जोड़ा है भाई। इधर और का मतलब क्या था, तीन होते हैं, एक होता अपना इधर और एक होता है नीदर नोट, और एक होता है नोट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो भाई इधर और का देखो, अब मान लो आपके घर आप चीज लेके आए हो अपने भाई के लिए, एक आप सेब लेके आए हो, एक एप्पल लेके आए हो, और एक आप लेके आए भाई चॉकलेट। आप उसको बोलते बेटा दो में से एक ले रही है, उसका मतलब क्या आता है इधर या इधर और। वो मना रूठ जाए, वो कहेगा मैं तो कोई सी बोल लू, या तो मैं कोई सी बोल लू, तो कौन सा है नीदर नोर, यानी दो में से एक, दो में से एक ही, ये दो में से जीरो, यानी दो में से कोई भी नहीं। तो आपको रूट रूठता क्यों है बता, क्या चाहिए? तो कहेगा ना तो केवल एप्पल चाहिए बल्कि क्या चाहिए चॉकलेट चाहिए, मतलब दोनों चीज चाहिए। वो कौन सी स्थिति है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन इधर उधर और में एक बात सोचो कि काम करने वाला तो एक ही है, दो में से एक, तो एक के लिए क्या आता है सिंगुलर, सिंगुलर क्या इनमें से इज, तो ऑप्शन क्या आएगा भाई इसमें से इज। तो आपने मैंने वीडियो में बताया था एक में कि इधर और के साथ हमेशा सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, ये बात ध्यान रखनी भाई। अब एक बात और, मान का चल रहा कोई बालक आठवीं क्लास में है, उसको कुछ भी नहीं आता, तो ऑप्शन से भाई तू कर रहा है नकल मारने का तेरे भी अकल चाहिए, ठीक है भाई, तो वो कैसे मारनी है। तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, अच्छा ऑप्शन कौन सा है ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा सही होया भाई ये वाला। देखो ये वाजिब तरीका नहीं है, लेकिन ये उसके लिए है, अगर ना डूबते हुए वो तिनके का सारा जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए ये रामबाण था भाई। लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, आसान पेपर आ रहा है बिल्कुल, और आशा करूंगा मैं कि आगे जो पेपर आएंगे वो भी अपने इसी प्रकार के आसान, इंग्लिश की तो मैं कह रहा हूं भाई बिल्कुल आसान आ रही है। अब भाई हिंदी का सॉल्यूशन करवाते हैं, जो हिंदी आई हुई है हिंदी भाई, पहली बात एक बात, और हिंदी जो सब पता क्या है, डरता इंग्लिश से डरते इसलिए नहीं करते, और हिंदी जो है उसको मानते जो आसान है, हिंदी करना शर्म महसूस करे भाई, हिंदी अपनी माँ है, मातृभाषा करते तो पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन हिंदी तो जरूर आनी चाहिए भाई, सौ के सौ। इंग्लिश में ना सीखो लेकिन हिंदी जरूर सीखनी, पेपर के लिए नहीं अपनी मातृभाषा के लिए सीखो। तो पहला प्रश्न था भाई इसमें कि ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना बोला जाता है, बिना स्वर की सहायता के बिना बोला जाता है, वो कौन सा है, ऑप्शन दे रखा है व्यंजन, बी है अनुस्वार, सी है भाई अपना विसर्ग, और डी है अपना पद। अब देखो साथियों आपको पता है दो प्रकार के वर्ण है हिंदी में, एक होता है स्वर और एक होता है भाई व्यंजन। तो 33 तो व्यंजन है जो क है घड़े है वो सारे कितने भाई 33, उन्हीं को क्या बोलते हैं व्यंजन। और स्वर होते हैं 11 जो ए अनार है जो वो क्या होते हैं भैया भाई स्वर। संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में 11 है लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर जो है उनकी संख्या कितनी है 13 है भाई। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर जो है वो बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं, लेकिन जो अपना व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, व्यंजन हो गया। एक बात और, विसर्ग किसी को नहीं पता, विसर्ग क्या होती है, दो बिंदु सी होती है लास्ट में लगती है जो, ठीक है भाई, आता है कि लास्ट में आता है, तो ये जो दो बिंदु लगती है इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोला जाता है। पद क्या होता है, पद बराबर है शब्द का, लेकिन कब, जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। अब जैसे मान लो राम है, राम फिलहाल क्या है शब्द है, लेकिन मैं कह दूं राम मेरा या राम एक लड़का है, तो अब ये क्या है राम, इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए इस राम को क्या बोलते हैं हमें, पद बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न साथियों ये है, निर्मला ने निर्धन को धन दिया,
इसमें आपको को कारक बताना है। इंग्लिश में भी मैंने करवाए थे, केस करवाए थे वही वो, और हिंदी में कारक होते हैं आपने पढ़ा है, कर्ता में कर्म को कर्ण से पढ़ा है, संप्रदान के लिए अधिकरण से अलग हो गए पढ़े ना, संबोधन हे रे पढ़े है पढ़े, संबंध कारक का के की पढ़े है भाई, ये चीज है। तो कर्ता ने कर्म को, तो को कौन सा कारक, कर्म के बाद आया ना कर्म को, और कर्ता ने ये निर्मला कौन सा हो गया भाई कर्ता। हिंदी में अगर किसी को कुछ भी नहीं बताना ये भी तो सोच कर देखो, काम को करने वाला कौन है निर्मला, तो निर्मला कौन होगी कर्ता यानी सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन होता है सब्जेक्ट, किसके लिए काम किया है निर्धन के लिए, तो निर्धन वाला कौन सा हो गया भाई अपना कर्म यानी ऑब्जेक्ट। समझन की बात है तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा कर्म कारक, कौन सा कारक होगा भाई ये कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद तीसरा प्रश्न आया था भाई हिंदी में व्यंजन कितने हैं, हिंदी में व्यंजन अभी अभी पढ़ा है, कितने व्यंजन है भाई कुल 33 व्यंजन है, कितने व्यंजन है भाई 33, अगर पूछ ले स्वर कितने हिंदी में तो 11, संस्कृत में स्वर कितने हैं भाई 13 स्वर है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास कौन सा है, प्रतिदिन में समास पूछ रखा भाई, तो प्रति जो शब्द है वो एक अव्यय है। अब साथियों कईयों को ये नहीं पता अव्यय क्या होता है, अव्यय शब्द में ये अर्थ हुआ अव्यय का मतलब होता है खर्च होना, और अव्यय ऐ हो गया तो उल्टा हो गया, ऐसा शब्द जो खर्च नहीं होता, इसका मतलब क्या है, इस अव्यय शब्द पर ना समय का प्रभाव पड़ता है, ना काल का प्रभाव पड़ता है, ना कर्ता का, ना कर्म का, ना क्रिया का, किसी शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इस शब्द को क्या बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। ये वैसा ही संस्कृत में रहता है, वैसा ये हिंदी में रहता है, तो प्रति शब्द क्या है कि अव्यय है, और अव्यय से जो समास बनेगा उसको क्या कौन सा समास बोलेंगे अव्ययी भाव समास बोलेंगे भाई, तो ये समास कौन सा है अव्ययी भाव समास है। जैसे बोलते हैं ना यथाशक्ति, यथा क्या अपने आप में एक अव्यय है, अव्यय से जो बना वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है भाई। आजन्म, जन्म से अब तक, तो आजन्म, या आमरण, मरण तक, तो ये कौन सा समास है भाई अव्यय भाव समास है भाई। उसके बाद भाई अगला प्रश्न, दुल्ला जो है, दुल्ले का स्त्रीलिंग बताना है, बिल्कुल अरे इतनी हास्याई प्रश्न पढ़ गया, तो मैंने एक ऑप्शन दे रखा है दुल्हीन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दुल्ली, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है भाई दुल्हीनी रहे, के दे रखे भाई ये आगला दे रखा है दुल्हीन, दुल्ली होगा भाई कदे को नहीं हो, काटता आप मिच के एक दुल्हीनी यो भी कदे को नहीं हो, इन दोनों पे नजर अटकी, लेकिन देखो हिंदी में जो है हिंदी में मात्रा का बड़ा रोल है भाई, तो क्या है अपना बड़ा होगी मात्रा दुल्हीन के साथ कभी भी आती नहीं है, तो क्या होगा अपना छोटे होगी मात्रा वाली यानी दुल्हीन होगा, और ये दुल्हन होता है साथियों वैसे तो देखो, लेकिन HSSC है वो कुछ भी दे सकती है, HSSC है कोई भरोसा नहीं, हमको थोड़ा बहुत मान के चलना पड़ता है। तो भाई कल सिविल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, सिविल इंजीनियरिंग के जो सब प्रश्न है वो मैं करवा दूंगा, और जो इलेक्ट्रिकल का सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था, इलेक्ट्रिकल पर मेरी ब्रांच सिविल थी, तो मैं सिविल से रिलेटेड ही करवा पाऊंगा, इलेक्ट्रिकल का मैं कोशिश करूंगा, कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे पास आ जाता है तो मैं आपको वो प्रश्न पत्र भी सोल्व करवा के दे दूंगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आओ तो भाई जिस जिसका पेपर था उसके पास शेयर जरूर कर दियो। और एक खास बात और, कई बच्चों को एक समस्या है, बोला जी फलानी चीज अकेडमी में नहीं, देखो इंग्लिश हो सकते हैं, हिंदी हो सकती है, हरियाणा जी की अकेडमी में हो सकती है, लेकिन आप कोचिंग तो हरियाणा के पेपर के लिए कलर चपड़ा कोचिंग लो, तुम चपड़ा सी की आ तुम सोच रहे हो जेई का पेपर कोई वहां हो जाए, तो जेई के लिए अलग कोचिंग होती है, इसीलिए अपने अध्यापकों को पूछना बंद करो भाई, क्योंकि ये जो जेई के प्रश्न आए हुए हैं वो जो इसने पॉलिटेक्निकल कर रखी है, बीटेक एमटेक कर रखी है, उनके बस की बात थी, तो इसीलिए अपने टीचर्स को पूछना बंद करो, बल्कि जो चीज दे रखी जो करवा रखा है वो चीज करो। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।